अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो अभी बस संडे का दिन शुरू हो गया और नाश्ता लेने आया। आज हलवा पूरी नहीं लेनी, सिर्फ चने, हलवा, लस्सी और कुलचे लेने हैं। तो इधर अभी टेंट आया तो यहाँ से हम लस्सी लेंगे, फिर वापस अपने घर की तरफ से जो है बाकी चीज़ें लेंगे। तो सीन्स वगैरह कोई नहीं है क्योंकि पिछले दो व्लॉग में मैं इस पूरी का सीन डाल चुका हूँ। तो चने के भी डाल दिए थे और कुलचे के भी डाल दिए थे पिछले व्लॉग में, पिछले सीन्स कोई नहीं आज। और टाइम लैप्स दिखाते हैं आपको, चलते हैं। मैं लस्सी ले लिया जी और साथ चने और हलवा भी ले लिया और अभी जा रहे हैं मक्खन, मतलब वो खाने वाला जो होता है, लगाने वाला नहीं, और जैम वो भी खाने वाला ही होता है। आपकी मर्जी है, ऐसा मर्जी खाएं, आप रोटी पे लगाएं, रोटी पे लगाएं, मुझे रोटी भी पसंद है। तो चल रहे हैं, बस मिलते हैं थोड़ी देर में। मक्खन ले लिया जी खाने वाला, फिर बता रहा हूँ लगाने वाला नहीं लेना। और जैम भी ले लिया, अभी अंकल जी गए हैं चने लेने, बाकी के पास कुलचे लेने और घर कुलचे भी आ गए हैं। और बस अभी यहाँ से यू फोन के दो कार्ड लेने, तो वो ले रहे हैं क्योंकि ज़रूरी है। पबजी भी उसी पे चलती है, व्लॉग भी उसी पे अपलोड होते हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारा PTCL है माशाल्लाह से ऑल ओवर पाकिस्तान, वो काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए यू फोन पर गुजारा करते हैं। बस भूख लग रही काफ़ी, खुशबू रात को चढ़ी है, नज़ला भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो फिर थोड़ी देर तक मिलते हैं आपसे। A few moments later. हाँ भैया, तो अभी जा रहे हैं गैरिजन लाइब्रेरी, हथियार से हथियार अपने पकड़ लिए, तो वहाँ जाके मिलते हैं। अब्बा जी गाड़ी निकाल रहे हैं, शायद आपको ना नजर आए क्योंकि वहाँ रोशनी की वजह से अंधेरा हो गया, ये उल्टा फिनोमिना है। तो वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। हाँ भैया, तो लाइब्रेरी में जलीलो खवार होने के बाद इधर आया कार्डमम पीने, वो आपको पता ही होगा। आता हूँ तो लाइब्रेरी में कुछ हुआ कि हम गए हैं, तो वो जो है उसने गार्ड ने रोक लिया जी, कैंची चप्पल अलाउड नहीं है। हमने कहा भाई हम आए हैं तो जाएंगे, अंदर गए तो कहते इधर रुक जाएं, सूबेदार आएगा। सूबेदार से अगर हलो आया कि, तो उसने कहा कोई बात नहीं। फिर इंतहा की गर्मी थी वहाँ पर, कोई एसी नहीं चल रहा था, सिर्फ जो है उनके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के एसी चल रहे थे या जो वो मेम्बर्स के लिए रूम बने हुए, बाकी कोई पंखा नहीं, कोई ऐसी नहीं, जो चल भी रहता तो लू फेंक रहे थे। और उसके बाद हमने कहा चलो कुछ चाय को ठंडा कैंटीन पे चले जाएं, कैंटीन पे गए चाय नहीं है, हमने कहा माइक्रोवेव में पानी गर्म करके चाय बना दो, कहते वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चुप करके फिर निकल लिया और वहाँ से कार्डमम पीने इधर आ गए, तो ताकि थोड़ा दिमाग तो ठंडा हो, बाकी चीज़ें तो गर्म होंगी क्योंकि चाय गर्म होती है। तो लाइब्रेरी जाने से पहले मुल्तान गैरिजन लाइब्रेरी जरूर एक दफा सोच लेना, जूते पहन के जाना और जूते पहन के जाना, बूट बूट बंद बूट। भाई जान कार्डमम पी ली है और ये दुकान वाले अंकल जी की बड़ी मेहरबानी है कि वो जो है उसको बंद नहीं करते, कार्डमम निकलने वाली जो जगह होती है पाउडर, तो बड़ी अच्छी कार्डमम होती है माशाल्लाह से, तो वो पी ली है, दिमाग ठंडा हो गया। और बस अब चीज़ें वगैरह लेनी है घर की, तो वो लेके जा रहे हैं घर, अब्बा जी गए लेने, हम आराम से बैठे, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। A few moments later. एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शाम हो चुकी है और हम उठ चुके हैं और अभी किले जाने का प्रोग्राम है, तो उसके बाद दादा को भी तरफ जाना है, तो किले पहुँच के मिलते हैं आपसे।
भजन किले का प्रोग्राम रास्ते में कैंसिल हो गया और अभी हम आ गए दादाबू की तरफ गुलगश में। और ये मेरे पीछे आप लिमके का स्टॉल देख सकते हैं, ये इधर आरएफसी के सामने है। मैं 15 साल से इनका कस्टमर हूँ और जब भी आप गुलगश जाएँ तो ज़रूर इनका लिमका ट्राई करना। हाँ भैया, तो अभी हमारे साथ एक हादसा पेश आया और लेकिन आते आते बच गया। ऐसा हुआ कि जो मैंने अपना नया फ्लैश लिया कैमरे का बड़े वाला, उसका ये सेंसर वाली लाइट है भूत दिया घर में, तो उसके सेल ख़त्म हो गए फ्लैश के। तो हमारे घर के बाहर एक रेडी वाले अंकल थे, वो मुझे ले गए और उनके साथ मैंने सेल ले आया हूँ, तो उन्होंने मेरी बचा ली। तो आज का गुजारा हो जाएगा, फिर घर जाकर उसको चार्ज करेंगे। अभी देखते हैं फिर कहाँ जाते हैं आगे, कोई प्रोग्राम में भी है नहीं, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। भैया, अगर आप गुलगश्त आए और आपने लाजवाब फिंगर चिप्स के चिप्स ना खाए तो आप गुलगश्त आए क्यों, ये बताओ। मान तो मैंने कॉपी मार ली है फ्रांज ने जो की, कोई बात नहीं चलता। फिर से भूत, तो हम चिप्स खा रहे हैं, आप भी कुछ खा भी लें, खाने का टाइम भी हो गया, तो थोड़ी देर तक मिलते हैं फिर आपसे। भाईजान, यूनाइटेड मॉल के प्लेलैंड में थोड़ा सा एंजॉय किया, बाकी इनके इंतज़ामिया इंतहा कोई फारिग है। एक कैमरा ले जाने पर इनको जो है ना मौत पड़ जाती है, और गाड़ पीछे भेजिए जी, बम ले आए जी, कर लो गल फिर, बस मिलते हैं थोड़ी देर तक फिर आपसे। हाँ भैया, तो यूनाइटेड मॉल से टेक ऑफ किया था और ये बाबा जी से मिलने आए ज़रा, अभी यहाँ लैंडिंग हुई है, तो अंदर जाके पहले पूछ रहा था तस्वीरें कैसे लेंगे कि नहीं, तो फिर अपने हथियार वाला इजाज़त मिली तो निकालेंगे, नहीं तो पड़े रहे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई जान, KFC वाला ने जो है वो कैमरा ले जाने की इजाज़त दे दी है, तो अभी हम कैमरा उठाने लगे हैं। तो भाई नया फ्लैश दिया है, कोई तस्वीरें तो खींच नहीं है ना, तो फिर खा पी के मिलते हैं। तो जी, मैं इधर आया था KFC और ये KFC की टीम है माशाल्लाह से बहुत अच्छी, और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे कैमरा अंदर लाने दिया, उनके बाकी काफ़ी सारा जगहों पर मुझे नहीं लाने दे रहे थे। और इनकी डिलीवरी और फूड भी बहुत अच्छा होता है, मैं इनका रेगुलर कस्टमर हूँ, और आप जब भी मुल्तान आए तो जरूर विजिट करिएगा, और थम्स अप। हाँ भैया, तो अभी थोड़ी देर पहले घर पहुँचे, KFC से खा पी के घूम फिर के आ गए हैं। और मज़े की बात ये हुई है कि मैं जब KFC में, क्योंकि मैंने अपना वो बड़ा फ्लैश भी और बड़ा सारा लेंस भी लगाया हुआ था, तो मैं घर वालों की पिक्स वगैरह ले रहा था, तो उनके क्रू मेंबर आया मेरे पास, कहता भाई आप हमारी पिक ले देंगे, मैं कहा ज़रूर लेंगे भाई, तो उनकी ग्रुप फ़ोटो ली है, तो वो आप पीछे देख चुके होंगे, या आगे कहीं आ जाएगी तो एंड में डाल दूँगा। और उसके बाद जो है सर्विस आज थोड़ी स्लो थी, खाना अच्छा था लेकिन सर्विस स्लो थी थोड़ी, और बस। और अच्छी बात एक और हुई कि बाकी सब ने कोल्ड ड्रिंक्स ली और मैंने लिया जूस, तो सबके कोल्ड ड्रिंक्स गर्म थी और मेरा जूस ठंडा था। और एक और अच्छी बात जो मुझे पहले नहीं पता थी, हो सकता है पहले से ही हो, कि मेरा ख्याल था कि KFC वाले जो पानी है वो बॉटल्स में सेल करते हैं, सॉरी नॉट सेल, सेल करते हैं, लेकिन मैं जब उनके पास गया, मैं कहा पानी की बोतल दे रहे, तो कहते हैं हमारे पास तो ओपन प्लेन वाटर होता है। मैं कहा फिर ये तो अच्छी बात है, तो फ्री पानी होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए और हर रेस्टोरेंट में होना चाहिए, ताकि किसी को भी पानी खरीदने की ज़रूरत न पड़े। तो बस आज का ये था संडे का दिन, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। उधर नहीं, इधर।